They should be two persons. It's not couple, guys. You shouldn't think that it should be couple. No, just two persons who is friends. Going to, yes, just friends. Who is going to, for example, some in India too, friends in Pakistan too, and in Bangladesh too. So they are. ये इसने स्टीम मोमोज मंगाए हैं, स्टीम नहीं है, सॉरी ये फ्राइड स्टीम आ रहे हैं, हाँ स्टीम आ रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं, और इसको स्नैप लेना है, तो पहले वेट करते हैं, दोनों आए फिर स्नैप ले, फिर हम खाए जीते हैं, सबसे इसको देख सकते हैं फ्राइड को तो उसको वेट कर रहे हैं, आए तो उसका भी खाते हैं, फिर बहुत भूख लग रही है वैसे तो स्टीम भी आ गया और ये पहले अपना स्नैप लेगा और ये वेट कर रहा है कि कब खाऊं मुंह में पानी आ रहा है इसका तो गुड मॉर्निंग गाइस आज से फिजियो की क्लास थी और हो गई हाँ अभी पूरा दिन फ्री और अभी 9:30 भी नहीं हुआ तो अच्छा है सिर्फ कल लाइटिंग की क्लास है उसमें शायद उसमें कुछ होमवर्क भी नहीं है कि फिजिकल की भी है कल तो आज ऐसा इतना कोई लोड वाला डे है नहीं आराम से जाएगा आज का दिन इतना अच्छा दिन था हम सुबह उठे तब अभी धुंध धुंध हो रही है हर जगह जस्सी कुछ भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक पूरा धुंध हो रहा है तो और हाँ नेक्स्ट क्लास के लिए पीपीटी बनाने को दिया और इफ वी एक्सेल इन पीपीटी तो मॉड्यूल फ्री और मुझे लग रहा है वो वैसे भी एक्सेल कर ही देंगे क्योंकि मैं मॉड्यूल लेना नहीं चाह रही मेरे को ऐसा लग रहा है तो देखते हैं क्या करते हैं और जाते पहले सबसे पहले तो रूम में जाते हैं और तैयारी करते पीपीटी की अभी कर लेंगे कि सैटरडे संडे बिल्कुल फ्री रहना है फिर कोई टेंशन नहीं क्योंकि सैटरडे संडे को सिर्फ फिजियोलॉजी की टेंशन होती मंडे वाले और कंप्यूटर क्लब से पीपीटी होगी आज प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर अगले मंडे को अगले सैटरडे इस सैटरडे संडे को कोई टेंशन ही नहीं है अगले मंडे का हाँ सुबह इतना क्लियर वेदर था और अभी पूरा वेदर वापस चेंज हो रहा है बहुत ही ज़्यादा फॉग दिन में तो बहुत ज़्यादा फॉग थी अभी तो फॉग कम हो गई है बट स्नो भी हुई है बहुत ज़्यादा मुझे लगता है वापस 3-4 दिन वेदर ख़राब रहने वाला जब भी 2-3 दिन नहीं होते अच्छे से सन आया वापस ही हो जाता है गाइस आई एम वेरी सैड टुडे कितने के लिए दोस्त आसिफ कल जा रहा है इंडिया एंड आई विल मिस हिम कल जाएगा महीने भर से आएगा वापस आई विल मिस हिम एंड बहुत याद आएगी भाई तेरी तो अभी तो सिर्फ लीव होने वाला है तो उसे मिल के आ जाते हैं सीरप कर लेते हैं वैसे उसकी फ्लाइट तो है रात को 10 बजे के आसपास पर यहाँ से पहले वो अलमाटी जाएगा अलमाटी है कजाकिस्तान में तो बॉर्डर चेंज करके अलमाटी जाएगा यहाँ से पहले बिश्केक जाएगा बिश्केक से बस में अलमाटी जाएगा बाई रोड फिर वहाँ से दुबई दुबई से कोलकाता जाएगा तो चलो उससे मिल के आते हैं पिछले हफ्ते एक क्लास में सो गई थी पिछले महीने एक क्लास में सो गई थी तो उसका वो क्या बोलते हैं रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए पे स्लिप लेनी पड़ी तो डीन ऑफिस जाते हैं पे स्लिप लेते हैं और वापस आते हैं अभी तो मैम ने मना कर दिया स्लिप देने से अब कल फिर जाना पड़ेगा लेने के लिए नहीं कल नहीं जो भी नेक्स्ट टाइम टेबल के हिसाब से डे होगा उस दिन जाना पड़ेगा और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ये 1 घंटे के लिए आते हैं डीन मैम और वो भी याद नहीं रहता है कि लेने जाना जब जाते हैं फिर जाते ओ स्लिप लेनी थी चलो नेक्स्ट टाइम याद रखे जाएंगे गुड मॉर्निंग गाइस आज है वेडनेसडे और अभी क्लास ले रश कर रहा हूँ यूजुअली क्रिकेट की क्लास 10:30 होती है पर कल रात को मैम का मैसेज आया बहुत लेट आया कि 10:10 पे पहुँच जाना क्लास में इसलिए भी फटाफट जाता हूँ मैं क्लास यार लेट हो जाएगा अभी 2 मिनट ही बचे पहुँच जाता हूँ वरना मैं अलाउड नहीं करेंगे क्लास में इसलिए आज पहले से एप्रिन पहन के ही आ गया कि वहाँ पर क्लास में जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा तो अभी फटाफट क्लास जाते हैं और फटाफट मॉड्यूल देख के क्रिकेट की क्लास के लिए फ्री हो जाते हैं सेमेस्टर में फिर सेमेस्टर 9 क्रिकेट की क्लास अगले सेमेस्टर क्रिकेट पढ़ेंगे सो आज लास्ट क्रिकेट की क्लास हाय फ्री किया ही नहीं आज लगा था क्लास क्रिकेट की क्लास बट आज क्रिकेट की क्लास नहीं है अब मैम आज मतलब इतनी देर 10:10 पर बुला लिया खुद 10:30 पे आए क्लास में फिर बैठे रहे कुछ पेपर चेक कर रहे थे फिर पूछने लगे फिर भूल गए ओ सॉरी आई डिडंट टोल्ड यू टुडे वाज सपोज टू बी योर लास्ट क्लास सो आई विल टेक योर लास्ट क्लास नेक्स्ट वीक तो अभी चले जाओ तुम लोग तुमको भी भेज दिया ना कुछ पूछा ना कोई बात
तो अगले हफ्ते फिर प्रिपेयर करके जाओ, और अगले हफ्ते लास्ट क्लास होगी। चलो कोई बात नहीं, अगले प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, इस हफ्ते प्रिपेयर कर लिया था तो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। पर अगर नहीं होती तो आराम से लेट उठते वेनसडे को, फिर क्या करें। चलो जो भी, वट एवर। How's the tea? Good. सब लोग जा चुके हैं, अब अपन भी चलते हैं। 12:30 हो चुके हैं टाइम, कितना 12:30 ही हुआ है। चल चलते सो जाते हैं, पर कल 10:30 क्लास है। 25 जनवरी हो गई है, सब चिल्ला रहे हैं बाहर। गुड मॉर्निंग गाइज, ने वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आज 26 जन है और जनवरी एंड होने पे है, 5 दिन और फिर जनवरी ख़त्म, फिर फरवरी शुरू। टाइम इतना फटाफट निकल गया ना, पता ही नहीं चला अभी 5 दिन। Your 2 videos and the 3 performances, 2 weeks guys, staff, the respected man is giving you 2 weeks to do all these issues, and then you will submit first, you will watch and check what is good, what is bad, something must be correct. हेलो गाइस, सो अभी ये जो मीटिंग थी ये इस चीज़ के लिए थी कि जो फ्रेशर्स पार्टी होगी उसकी कास्टिंग, वैसे मैं कास्टिंग का बोल के बुलाया गया था, बोला था कि फ्राइडे को कास्टिंग होगी, थर्सडे, फिर भी इन्होंने कास्टिंग के लिए बुला लिया। फिर हम गए तो ये कास्टिंग भी नहीं थी, ये सिर्फ सजेशन दे रहे थे कि ऐसा ऐसा करेंगे, एक वीडियो बनाना, क्लिप बनाना 3 मिनट का, हर इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को अपने अपने कंट्री के रिप्रेजेंट करते हुए एक स्टोरी, बैकग्राउंड, ड्रामा काइंड ऑफ। तो उसी 3 मिनट के अंदर एक सिंगिंग भी होनी चाहिए, डांस भी होना चाहिए और ड्रामा भी होना चाहिए। बट डिफ़िकल्ट है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली थिंग है, बट देखते हैं जो भी। और मेरे को ये लग रहा था कि उन्होंने पहले हमको ये बोला था कि आप डांस प्रैक्टिस करो, जो करो करो, फिर ऑडिशन लेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं 2 दिन से डांस कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, बट अभी वो कर नहीं सकते, सोलो कुछ भी नहीं कर सकते और अपने मन से भी कुछ भी नहीं कर सकते कि ये कर ले वो कर ले। तो बस वो एक क्लिप ही है, उसमें जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और उसके बाद ये क्लिप है और जो सेलेक्ट हो गई क्लिप्स अच्छी वाली वो सेलेक्ट करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे उस पे, क्या बोलते हैं, फ्रेशर्स पार्टी पे। जिसके बाद ये कोई क्रिकेट डांस सिखाएंगे तो वो करना है इन द एंड, कुछ फायर डांस करके कुछ होता है, तो लेट्स सी क्या होता है। बाहर बसंत पंचमी की कुछ पूजा हो रही है, मैसेज आया बुलाया बात, तो चल के देखते हैं क्या हो रहा है। चलो चलिए जल्दी। मज़ा आ गया आरती करके, एकदम इतना रिलैक्स फील हुआ, अच्छा लगा, जैसे वो आरती बजी एकदम वो इंडिया वाली फीलिंग आने लग गई। सुबह सुबह जल्दी उठ के मंदिर जाने वाली, वो मंदिर में जो बजते था, बजती थी आरती, हुई आरती, सो रिलैक्स, मतलब इतना स्पिरिचुअल फील हुआ ना अभी, आई कैन डिस्क्राइब इन वर्ड्स, शब्दों में उसको बयां ही नहीं कर सकते इस चीज़ को। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा, जनगण मंगल धायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे, भारत माता की, भारत माता की। Larva get released. So first larva is ciliated, if you remember it.
हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग क्या वैसे भी आफ्टरनून होने वाली कुछ देर में। छुट्टी जी तो बहुत लेट उठा, रात को सोया भी बहुत लेट था। अभी उठा, एक ड्रोन से मैसेज आया था कि सिग्नेचर करने के लिए बुला रहे, फटाफट ब्रश किया, सिग्नेचर करने गया और पता नहीं किस चीज़ के लिए सिग्नेचर करना था, बुलाया तो करके आ गए। आज इतनी ठंड भी नहीं है, बहुत ही सनी डे है आज तो, अच्छा भी है, अच्छा लग रहा है, ऐसा ज़्यादा ठंड नहीं है, एक लेयर में काम हो जाएगा आज तो। चलो अभी फटाफट जाते हैं, तैयार व्यार होते हैं, नहा धोते हैं, फिर जब लंच का टाइम होने वाला तो फिर लंच करते हैं। गुड आफ्टरनून गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं हाइकिंग के लिए, बहुत ही अच्छा वेदर है अभी, प्लस में है टेम्परेचर +3 है, तो हमने सोचा अच्छा वेदर है तो हाइकिंग के लिए जाते हैं। और स्नो होने के बाद हम अभी तक एक बार भी नहीं गए माउंटेन्स पे, तो चल के देखते हैं उन्हीं माउंटेन्स पे कि कैसा व्यू लगता है वहाँ से। चलो चलते हैं। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं माउंटेन पे और बस अब ऊपर चढ़ते हैं, फिर ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं कैसा लग रहा है, मैं पिक्चर्स दिखाता हूँ पूरा। जस्ट लुक, इट्स लुक सो गुड। अभी चलते हैं ऊपर, अभी मैं फ़ोन डालता हूँ पॉकेट में, अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा चढ़ने के लिए। ऊपर चल के वापस मिलते हैं आपसे, बाहर उठ रहे हैं, बहुत तेज हवा चल रही है, वैसे टेम्परेचर प्लस में पर फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बाकी सब लोग अभी तक चढ़ ही रहे हैं एंड मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ, तो चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली चल पा रहा हूँ लास्ट टाइम के कंपेयर में, क्योंकि स्नो होने की वजह से इतना ग्रिप बिगड़ नहीं रहा, ग्रिप अच्छा आ रहा है, अदरवाइज तो पिछली बार तो ग्रिप बिगड़ रहा था। हम ग्लैड की मैं फ़ोन लेके रिकॉर्ड कर सकता हूँ इसको, मैंने लास्ट टाइम रिकॉर्ड करना बहुत डिफिकल्ट था इसको। निखिल पहुँच चुका है सबसे ऊपर और बाकी सब लोग अभी तक आ ही रहे हैं। फाइनली पहुँच गए ऊपर, बीच में एक जगह ही जहाँ पे बहुत ज़्यादा मर्ज जमा हुआ था, पैर का स्लिप हो गया, जूते पूरे कीचड़ में हो गए, बस फाइनली ऊपर पहुँच गए और मैं और निकली से अभी तक ऊपर पहुँचे, बाकी सब अभी तक नीचे ही है। उन्होंने हमें फोर्स फिट कर दिया प्लेन ऊपर आने का, हम लोग ऊपर नहीं आ रहे। अभी आपको व्यू दिखाता हूँ, तो निखिल सबसे पहले ऊपर पहुंचा, फिर मैं आया और बाकी सब लोग अभी भी नीचे ही है, वो शायद नहीं आने वाले हैं, बट वो इस व्यू को मिस कर रहे हैं, इतना अच्छा व्यू आ रहा है ऊपर से सच में। स्नो, ओह मैन, इतने सारे घोड़े, हॉर्स फार्म में लगता है वो, और वैसे भी यहाँ पे हर दूसरी तीसरी गली में घोड़े मिल जाते हैं वैसे तो। और व्यू बहुत अच्छा आ रहा है और जो चिमनी से स्मोक निकल रही है वो भी इतनी अच्छी लग रही है। अभी मैं थोड़ी देर रिकॉर्डिंग बंद करके इस व्यू का मज़ा लेने वाला हूँ। चलो गाइस, सी या, चाओ चाओ। ये इस तरफ इतनी बड़ी खाई है कि कोई यहाँ से गिर जाए ना तो उसे तो हाथ पैर टूटने ही है। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा आगे जाने का, पर बहुत खड्डा है वहाँ पर, बहुत बड़ा वाला। मुझे लगता है यहाँ पे जब स्नो पिघलती होगी ना तो सारा पानी यहीं से जाता होगा। सो अभी फाइनली रेनी भी आ चुकी है और अब हम तीन जने ऊपर हैं और तीन जने नीचे, वो लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब हम भी फटाफट चलते हैं नीचे, हाँ क्योंकि ठंड बढ़ रही है अभी, जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे टेम्परेचर माइनस में जा रहा है। फाइनली हम नीचे आ गए हैं
और ये हो गई है जूतों की हालत और ग्लव्स की हालत बहुत गंदी, धोने पड़ेंगे अब जूतों, जूते इतने जम गए पूरा मड़मड़ हो गया अब उसके ऊपर। हाँ अभी बैठ के भी धोना पड़ेगा, पर एक चीज़ अच्छी हो गई अभी आइस में स्किट नहीं कर रहे, वरना आइस में चलना मुश्किल हो गया था। अभी कितना भी पैर रख लो आइस में मैं अच्छे से चल पा रहा हूँ, चलो एटलीस्ट हॉस्टल आराम से पहुँचेंगे। गाइस फाइनली पहुँच गए हॉस्टल और बहुत ठंड लग रही है अभी, बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे हो रहे हैं, तो अभी अंदर जाते हैं जूते धोते हैं और पहले तो हीटर के आगे बैठते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, फिर बाकी काम करेंगे। फिरोज तैयारी कर रहा है अपने कल की पीपीटी की, ये अपने कल की क्लास की तैयारी कर रहा है और मैं अपना व्लॉग एडिट कर रहा है। बस ये लास्ट क्लिप है आज के दिन की, इस पूरे हफ्ते की लास्ट क्लिप है, तो बस डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम।